नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। सो ये व्लॉग कंटिन्यूएशन है मेरी जोरहाट सीरीज़ का। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है चैनल में, वो देख लीजिएगा। और ये सेकंड पार्ट है, तो इस पार्ट में हम लोग लोकल साइट सीन्स जाने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ जोरहाट एक्सप्लोर करने से पहले। जोरहाट बहुत बड़ा है, यानी इसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, पर टाइम कंस्ट्रेंट के लिए हम लोग इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, पर जितना हो सका उतना हम लोगों ने किया। तो हम लोग तो पहले लासित मोइडाम गए, उसका ब्लॉग है। इस ब्लॉग में हम लोग सॉर्गोडोय, साउलुंग, सुकाफा, हुमायूं खेत्र जाएंगे, उसके बाद चमेली मैम साहब का बंगलो, बीच में द सेंट्रल जेल, फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नीस्ट, ये सब तो है ही। और मेरे नाना जी जोरहाट में थे, तो उनका पुराना स्कूल एंड कॉलेज वो भी देखेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। मम्मी बोल रही है कि तो एजुल कपूर क्यों नहीं रहा, मतलब ये कपड़ा क्यों नहीं छोड़ती हो, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कपड़ा है इसलिए नहीं छोड़ती। बर्थडे में मिला था, इस साल बर्थडे में फिर से मिलने से हम फिर से वही बोले, क्या कर सकते, मिलता ही एक ही कपड़ा है, कपड़ा देने से तो कपड़ा पहनेंगे। सो ये है सोटाई साइंस कॉलेज, और जोरहाट का वन एंड ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉलेज है ये। अभी हम लोग जा रहे हैं सुकाफा खेत्र। मंडेज को बहुत सारी जगह जोरहाट में बंद रहता है, क्योंकि संडे को खुला रह जाता है, इसलिए अगर आप लोग आ रहे हो तो मंडे छोड़ के किसी भी दिन आ सकते हो। एंड अभी हम लोग सुकाफा खेत्र जा रहे हैं। म्यूज़ियम तो नहीं जा सके, पर उसके अंदर एक बहुत अच्छा ऑथेंटिक एसमिस ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, जहाँ पर ऑथेंटिक ट्रेडिशनल एसमिस कुजींस मिलता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। सो ये है भुगडोर नदी या भुगडोर रिवर। ये एक मैन मेड रिवर है, इसे आहोम राज के समय आहोम राजा ने बनवाया था टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर ये जो भैया है जो हमें पूरा जोरहाट घुमा रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि जो जिम खाना है जोरहाट का वो हॉन्टेड है। एंड गूगल में सर्च करोगे तब भी आपको ये टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में मिल जाएगा। एक्चुअली हम लोग रात के 2-3 बजे पहुंच गए थे जोरहाट, और मेरी मासी का घर जिम खाने के जस्ट ऑपोजिट में है, तो हम लोग वहाँ पर 2-3 बजे रुके हुए थे। एंड जब हमने ये बात इन्हें बताया, तो इन्होंने हमें बताया कि वो जगह हॉन्टेड है। एंड तब हमें पता चला कि, क्योंकि हमें भी आवाज़ें आ रही थी, बट फिर हमें पता चला कि ओके, जो आवाज़ें आ रही थी एंड जैसा फील हो रहा था वो मतलब सच में है। एंड लाइक हमें भी फील हुआ कि कुछ एनर्जी है वहाँ पर, लोग बोलते हैं कि वो जिम खाना हॉन्टेड है। सो ये है द नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीस्ट, जोरहाट का नीस्ट है। इसके अंदर तो नहीं जाने देते, तो हम लोगों ने बाहर से ही देख लिया। सो अब हम लोग पहुंच गए थे, बट अब जैसे कि मंडे है तो हम लोग को अंदर म्यूजियम तो नहीं देखने को मिला, बट जो रेस्टोरेंट है उन्होंने बोला कि आप रेस्टोरेंट में जा सकते हो बट म्यूज़ियम में नहीं जा सकते। तो रेस्टोरेंट में जाने के लिए भी आपको यहाँ पर 30 रुपीज़ का टिकट ख़रीदना होगा, एंड उसके बाद आप रेस्टोरेंट जा सकते हो। सो यहाँ पर हम लोग जोहाल रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर अपनी मम्मी को डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं इसे डिस्टर्ब करते रहते हो क्वेश्चन पूछ के, वो मेरा प्यार है दिखाने का। अभी हम लोगों ने यहाँ पर टुपुला भात ऑर्डर किया था। टुपुला भात एक काइंड ऑफ चावल है, ये ऐसा चावल है जो एक पत्ता में बनता है, वो पत्ता का नाम है कोपाट। पहले तो असम में मिलता था कोपाट, बट अभी नागालैंड नहीं तो अरुणाचल से लाते हैं कोपाट, एंड उसके उसमें हम लोग चावल पकाते हैं एंड उसे टुपुला भात बोलते हैं। अभी हम लोगों ने वो ऑर्डर किया है उसके साथ। ये है पूरा का पूरा थाली, और एक थाली सफिशिएंट होता है 2 इंसान के लिए। ये है टुपुला भात, उसके साथ ये है पायोख मतलब खीर, फिर चने का सब्जी, फिर ब्रिंजल फ्राई, फिर दाल विद खार,
चटनी, फिर ये साग है, हम लोग ऐसे में इसमें हाक बोलते हैं, फिर ये नॉर्मल दाल है, उसके बाद ये बॉयल्ड वेजिटेबल्स विद बैम्बू शूट, उसके बाद और एक सब्जी थी एंड ये बीन्स की सब्जी है, और ये टुपुला भात है। सो ये जो पत्ता है इसे हम लोग कोपात बोलते हैं और इसी में ही टुपुला भात बनता है। अगर आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो ये है सोर्गोडोय साउलुंग सोकाफा, ये आहोम किंगडम के पहले राजा थे एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द आहोम किंगडम। इनकी साहसी और बीरबीरी की कहानी बहुत सारी है, किसी दिन जिस दिन इस म्यूज़ियम को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी उस दिन मैं आपको बताऊँगी। एंड तब तक के लिए तो आप लोग गूगल कर ही सकते हो अगर आपको जानने का मन है तो। सो अभी जो आप लोग देखोगे वो है द सेंट्रल जेल ऑफ जोरहाट, एंड इसी सेंट्रल जेल के ऑपोजिट में है कुहल कुंवर जी का समाधि। कुहल कुंवर जी असम के फ्रीडम फाइटर थे एंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट उन्हें फांसी दे दी गई थी 15 जून रात के 12 बजे 1943 को उन्हें फांसी दे दी गई थी, और ये है उनकी समाधि। किसी दिन इनके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। सो इसी के साथ ये है द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ जोरहाट, ये बहुत बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और ये है जोरहाट के फेमस टी गार्डन्स। अब मैं टी कैपिटल में हूँ, जोरहाट इज़ द टी कैपिटल, एंड टी गार्डन्स ना दिखाऊँ तो कैसे होगा। तो ये है टी गार्डन्स। टी गार्डन्स देखने से बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। और ये है टुकलाई, टुकलाई रिसर्च सेंटर, ये इसी के आसपास है, क्योंकि अभी हम लोग चमेली मैम साहब के बंगलो जा रहे हैं तो टुकलाई भी यही है। टुकलाई इज़ अ टी रिसर्च सेंटर और ये बहुत बड़ा टी रिसर्च। सो अभी मैं हूँ द चमेली मैम साहब के बंगलो में, बंगलो नंबर 3, चमेली मैम साहब का बंगलो। इसके लिए इतना एक्साइटेड थी ना मैं कि मैं गुवाहाटी से सोच के आई थी कि मुझे जोरहाट जाना है तो चमेली मैम साहब के बंगलो के अंदर जाना ही जाना है, देखना ही देखना है। मेरी नानी ने इसके बारे में इतनी कहानियाँ बोली है एंड आज रियलिटी में देख के तो आई हैव जस्ट फॉलन इन लव विद द बंगलो। ये रेनोवेशन इसका हो रहा है तो थोड़ा बहुत लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, जैसे कि ये कुर्सी पेंट हो रही है। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट ये जो कुर्सियाँ है, ये जो टेबल्स है, ये या फिर ये जो स्ट्रक्चर है, या फिर जो आपके सामने ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये सब ब्रिटिश के ज़माने का ही है। एंड चमेली मैम साहब जो है एक रियल स्टोरी है चमेली मैम साहब की, और ये रिनोवेशन थोड़ा बहुत चल रहा है। तो चलिए मैं आपको ये स्टोरी ब्रीफ में समझाती हूँ। सो ये है चमेली मैम साहब की कहानी जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये जितनी भी कहानियाँ हैं या जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ वो मैंने किसी से सुनी हुई है, रिसर्च की हुई है एंड उसके बाद बता रही हूँ। आई मे बी रॉन्ग समवेयर, प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो चमेली मैम साहब एक टी गार्डन में काम करने वाली एक लड़की थी एंड उन्होंने शादी कर ली थी एक टी गार्डन ओनर से, एक ब्रिटिश टी गार्डन ओनर से। सो उन लोगों ने शादी करने के बाद दे वर वेरी हैप्पी, दे वर लिविंग हैप्पीली इन दिस पर्टिकुलर बंगलो ओनली। बट थोड़ी देर के बाद चमेली मैम साहब को एक बीमारी हो गई थी जिससे उनका बच पाना मुश्किल था। डॉक्टर्स ने बोला कि वो क्यूरेबल था, पर उन्होंने आई थिंक अपनी मन की जो शक्ति थी वो खो दी थी या कुछ ऐसा हो गया था जिससे वो नहीं जी पाई। उनको वो भी अगर मैं बोलूँ उनको वो बीमारी खा गई। सो उनकी एक छोटी बेटी थी, तो ड्यूरिंग हर स्टेज ऑफ हर मेडिकल ट्रीटमेंट वो अपनी बेटी से नहीं मिल पा रही थी एंड उसी के दुख में लोग बोलते कि चमेली मैम साहब गुजर गई, और इसी पर्टिकुलर बंगलो में चमेली मैम साहब गुजर गई। एंड मैं आपको स्टोरी बताते बताते बंगलों का एक रूम का थोड़ा बहुत रूम टूर दे रही हूँ। एंड ये जो रूम टूर में जो एग्जैक्ट फर्नीचर्स है, एग्जैक्ट बेड्स है, वो सब चमेली मैम साहब के एरा से ही है। एंड जब चमेली मैम साहब गुजर गई तब जो ब्रिटिश जो साहब थे और उनकी बेटी वापस लंदन चले गए।
बाकी यही थी स्टोरी। एंड इसके ऊपर एक एसएमएस फिल्म है एंड एग्जैक्ट सेम इसी बंगलों में शूट की गई है एंड इट वॉज इतना हिट था वो मूवी कि मैं क्या बताऊँ। हर एक एसएमएस घर में आई थिंक चमेली मैम साहब की जो मूवी है उसके बारे में तो एक ना एक बार जिक्र किया गया ही है। और ये था चमेली मैम साहब का पूरा बंगलो का टूर। मैं अपने तरफ से दूंगी पर ये जब हम लोग घूम रहे थे तो मैंने सोचा इसी में मैं स्टोरी बता देती हूँ। आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी क्योंकि ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप लोग फिल्म देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने इतने अच्छे से समझाने की कोशिश ना की हो या मैं समझा ना पा रही हूँ, कोशिश तो मैंने पूरी की है, बट जब मूवी देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। चमेली मैम साहब का रूम, मतलब रूम नहीं उनका एक कमरा, चमेली मैम साहब बंगलो का एक कमरा। ये है बेड, बिल्कुल ना पुराने ज़माने का फोर पोस्टर बेड का जैसा। ये बॉनफायर था जो बंद हो चुका है, ये तो आप लोग देख ही चुके हो। ड्रेसिंग रूम, ये बैठने का एरिया, स्टडी टेबल एंड ये वो। तो गाइस अभी मैं हूँ चमेली मैम साहब के उसमें बंगलो में और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बंगलो है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बंगलो है। और अगर आप लोग यहाँ पर आते हो ना, आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं जो यहाँ के मैनेजर हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डालूँगी। उनका नाम है पंकज बोरा सर। सो हमको उनको कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ रह सकते हो। यहाँ पर आपको होमली फूड मिलेगा, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, रूम्स तो आप लोग को व्लॉग में दिख जाएगा, इतने सुंदर एंटिक विंटेज जो एकदम टी गार्डन टी स्टेट्स के जो रूम्स है वो सब है। एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक वाइब है। प्राइसेस आर वेरी लाइक 5000 स्टार्टिंग है, डिस्काउंट कर देंगे। एंड फूड बहुत होमली काइंड ऑफ फूड मिलेगा आपको। यहाँ पर आप लोग फ़ोटोशूट कर सकते हो, ब्राइडल फ़ोटोशूट, या फिर इतना बड़ा लॉन है यहाँ पर। सो लॉन में आप लोग पार्टी वार्टी या फिर अगर आप लोग फ्रेंड्स का ग्रुप आ रहे हो तो गिटार विटार बजा के आराम से आप लोग मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा जगह है, मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो ये था चमेली मैम साहब का बंगलो। आईटा किसी के बाद टमाटर पूरा फ्रीसा, मतलब इतना अच्छा लगा ना। आई थिंक दिस वन एंड द लासित वीर लासित बोरफुकन का जो स्टैचू का ब्लॉग है It's one of my favorite. Like literally इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर भी, जो भैया थे जो सर थे पंकज बोरा सर, सो वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने सब कुछ अच्छे से दिखाया, the rooms were so good. Like if you want to come, just have a look here. Like it's very very beautiful. Like क्या बोलूँ, words मैं fumble कर रही हूँ, even though I write things, I'm fumbling up. क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर है। सो ये है जेबी कॉलेज या फिर मैं बोलूँ जेबी यूनिवर्सिटी। सो ये एक ऐसा जगह है जो हर एक जोरहाटियन जानता है, हर एक जोरहाटियन को पता है कि ये कहाँ पर है। सो मेरे नाना जी यहाँ पढ़ते थे, मेरे नाना जी बचपन से जोरहाट में थे। इवन दो वो उनका जन्म नौगांव में हुआ था पर वो जोरहाट में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। एंड ये जेबी कॉलेज है जहाँ पर वो पढ़ते थे। उनके साथ हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट टोरन गोगोई सर भी पढ़ते थे, दोनों क्लासमेट्स थे। एंड इसलिए मुझे लगा कि आज वो नहीं है पर उनकी यादों को देखने के लिए, वो कहाँ पढ़ते थे देखने के लिए उनके कॉलेज में गई। ठीक है,
ये था वो कॉलेज जहाँ पर मेरे नाना जी पढ़ते थे, लाइक वो। सो ये है मेरे नाना जी का स्कूल, शंकरदेव सेमिनार स्कूल, यहाँ पर मेरे नाना जी पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने जेबी कॉलेज ज्वाइन किया था। सो आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपने नाना जी के पुराने स्कूल, पुराने कॉलेज आई हूँ, उसके साथ जोरहाट को इतनी करीब से पहली बार देखा। जोरहाट पहले बार, पहले बहुत बार आई हूँ, पर इस बार बहुत करीब से देखा, इतना करीब से भी नहीं पर बहुत करीब से ज़रूर देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।